ये जीत खास है, देश को मोदी जी पर विश्वास है, पूरे राज्यों ने ये दिखा दिया है कि गारंटी केवल एक चलती है, नरेंद्र मोदी जी की, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और इन चुनावों में भी ये स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए, कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई। जहां भ्रष्टाचार करो और भूपे करो ये इस तरह चिपका है कि महादेव आपके बाद तो और चिपका है, वहीं पर राजस्थान की महिलाओं ने मन बना लिया था कि बहुत हुआ अत्याचार और भ्रष्टाचार, अब माफ करो कांग्रेस की सरकार। कुल मिलाकर भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर वापस मोहर लगी है, मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है। और जहां जहां कांग्रेस की राज्य सरकारें थी वहां जनता ने पूरी तरह नकारा है। अब जो लोग विदेश यात्रा पर छुट्टी मनाने जाना चाहते थे वो लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं। सर, विपक्ष की तरफ से बार बार प्रधानमंत्री पर हमला किया गया, कई सारे आरोप लगाए गए चुनाव में। देखिये, जितना कीचड़ विपक्ष ने उछाला उतना ही मोदी जी निखर कर आए, उतना ही कमल खिला है। जिस जिस चुनाव में मोदी जी को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया, मोदी जी पर व्यक्तिगत हमले हुए और लोगों ने स्थान कांग्रेस को दिखा दिया कि अगर जातिवाद की राजनीति करोगे तो एक ही उत्तर है जो मोदी जी ने कहा, उनके लिए युवा, महिला, किसान और गरीब यही जातियां हैं। और ये स्पष्ट हो गया है कि देश विकास चाहता है, सुशासन चाहता है और फिर एक बार मोदी जी की डबल इंजन की सरकार चाहता है। तेलंगाना में हमारी एक सीट थी, वहां से बढ़कर कई गुना ज्यादा हुई है। वातावरण जो राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया वो केसीआर के खिलाफ था, उनके भ्रष्टाचार परिवारवाद के खिलाफ था, उसके नतीजे सामने देखने को मिले। भाजपा का वोट शेयर भी लगभग दुगने से ज्यादा हुआ है, सीटें हमारी कई गुना ज्यादा बढ़ रही हैं। ये अपने आप में एक अच्छे संकेत हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जितना हम चाहते थे शायद तेलंगाना में उतना अच्छा नहीं आया। लेकिन पूरे राज्यों की अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो सब तरफ भाजपा दिखती है और श्रेय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने अपना कीमती समय और जिन पर जनता को विश्वास है, इसीलिए जीत खास है। ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ, ಜನಪರ.